नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष मिश्रा विन आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज से हमारी चर्चा एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर शुरू होने जा रही है, जिसका प्री परीक्षा में बहुत बड़ा योगदान रहता है। अगर बात की जाए 2017 के पेपर में तो लगभग 17 क्वेश्चन पूछे गए थे पॉलिटी से। इसी प्रकार 2021 के पेपर को पूछा जाए या 2020 के पेपर को लिया जाए तो पॉलिटी का लेवल काफ़ी कठिन भी देखने को मिलता है, हालांकि 2022 और 23 की अपेक्षा ये देखने को मिलता है। लेकिन इस सब्जेक्ट का जो वेटेज होता है काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो आज हम उसी सब्जेक्ट पे अपनी चर्चा एक क्लास के रूप में करेंगे। साथ ही देखेंगे कि पीएससी इसके पहले किस किस प्रकार से प्रश्न इस सब्जेक्ट को लेकर पूछा है और आगे किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, सिलेबस में कौन कौन से बिंदु है, उन समस्त बिंदुओं पर हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और साथ ही बड़ी ही आसान सी क्लासों में, बड़े ही आसान सी चर्चाओं में इस सब्जेक्ट को ख़त्म करेंगे। तो चलिए हम अपनी चर्चा को आज से शुरू करेंगे, और वो चर्चा है मध्य प्रदेश राज्य सेवा परीक्षा प्री परीक्षा की यूनिट 5। यूनिट 5 में क्या लिखा हुआ है, उसकी हेडिंग है भारत एवं मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था। यहाँ पर साफ तौर पर लिखा हुआ है भारत एवं मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था। तो आपके मन में ये आ ही गया होगा कि हमको दो आधारों पे इसको पढ़ना है, एक पढ़ना है भारतीय स्तर पर, संवैधानिक व्यवस्था। आपको मैं बताऊंगा कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं और किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, साथ ही जो प्रश्न आगे बनने की संभावना है कुछ प्रश्नों को भी चर्चा करेंगे जो इसके पहले पूछे गए हैं। और ये जो हमारी चर्चा होगी मुख्य रूप से क्लास के रूप में होंगी। हम ट्राई करेंगे कि जैसे संविधान सभा लिखा हुआ है, लोकसभा लिखा हुआ है, संघीय कार्यपालिका लिखा हुआ है, उच्चतम न्यायालय लिखा हुआ है, उच्च न्यायालय लिखा हुआ है, राज्य की कार्यपालिका लिखा हुआ है, इस प्रकार त्रिस्तरीय पंचायतों के बारे में लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश में सुशासन के बारे में लिखा है, उन समस्त बिंदुओं पर अपनी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें भारत के और फिर मध्य प्रदेश के। अब देखिए, जब भारतीय संविधान की बात आएगी, संवैधानिक व्यवस्था की बात आएगी, तो हमको उसमें देखना क्या पड़ेगा कि संविधान निर्माण की प्रक्रिया कैसे प्रारंभ हुई, मतलब जो संविधान सभा बनी उस पे कौन कौन से तत्व शामिल थे। तो संविधान सभा के बारे में देखेंगे, संविधान सभा। साथ ही इस पे चर्चा हमारी रहेगी कि संविधान सभा किस प्रकार से बनी गई, कैबिनेट मिशन का क्या योगदान था, पूरे भारत में कैसे कैसे प्रतिनिधित्व मिले, जब संविधान 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ तो उस पे कितने लोगों के सिग्नेचर हुए, 284 लोगों के, जैसे आपको पता होगा 24 जनवरी 1950 को 284 लोगों के सिग्नेचर होते हैं इसमें। तो ऐसे ही कौन कौन सी संविधान सभा के अंतर्गत समिति बनी, संविधान सभा के बारे में विभिन्न विद्वानों के कौन कौन से कथन हैं, उन समस्त बिंदुओं पर हमारी चर्चा रहेगी। उसके बाद हम देखेंगे कि संविधान जब बनकर तैयार हो गया तो उसमें कैसी कैसी व्यवस्थाएँ दी गई। हम उसमें देखेंगे कि संघ की कार्यपालिका के लिए क्या प्रावधान किए गए, राज्य की कार्यपालिका के लिए क्या प्रावधान किए गए, सर्वोच्च न्यायालय के लिए क्या प्रावधान किए गए, उच्च न्यायालय के लिए, और देखेंगे कि पंचायतों के संबंध में जो संशोधन हुए हैं, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया हुई वो कैसे अपनाई गई, कहाँ से अपनाई गई, किस किस प्रकार के संशोधन होते हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण संशोधन हैं, उन समस्त बिंदुओं पर चर्चा करेंगे भारतीय संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत। मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से 3 चीज़ों पर बहुत ज़्यादा गौर देने की आवश्यकता है, गौर करने की आवश्यकता है, वो है राज्य की कार्यपालिका, जिसमें हम विधान कार्यपालिका और विधायिका की बात करेंगे, जिसमें हम विधानसभा की चर्चा करेंगे, राज्यपाल की चर्चा करेंगे और इनकी मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद की समस्त पहलुओं पर चर्चा करेंगे। आगे जो राज्य हाई कोर्ट है, मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है, उनकी कौन कौन सी शाखाएं हैं, कितने सदस्य हैं, कहां कहां, कब स्थापित की गई, कैसे स्थापित की गई, कौन कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है, संसद के संबंध में इसमें क्या प्रावधान है, कौन से आर्टिकल इसके संबंध में दिए गए हैं, उन समस्त बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। अगली चर्चा होगी पंचायतों के संबंध में, पंचायत और नगरीय निकाय के संबंध में, नगरीय निकाय के संबंध में होगी। और एक और चर्चा होगी, वो होता है जो अभी इस बार जोड़ा गया है, इस बार के प्री परीक्षा में जोड़ा गया है, मध्य प्रदेश में सुशासन। इन समस्त बिंदुओं पर चर्चा होगी। अब
यही चर्चा क्यों होगी, मैं आपको बता दूं, तो क्योंकि सिलेबस में बस इतना ही लिखा हुआ है। जब अगर सिलेबस की बात करते हैं तो देखिए लिखा हुआ है भारत एवं मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, और पहला टॉपिक लिखा है क्या, संविधान सभा। इसके पहले 2023 तक के सिलेबस में ऐसा था कि 1919 का अधिनियम लिखा हुआ था, 1935 का अधिनियम लिखा होता था, तो हम उसको बड़ी ही डीप और गहराइयों से उसका अध्ययन करते थे और प्रश्न पीएससी उसमें पूछ लिया करता था। जैसे 2020 में एक प्रश्न पूछा कि 1919 के अधिनियम के दौरान पहली जो सबसे अंतिम बार चुनाव कब किया गया, जो विधान परिषदों का चुनाव कब किया गया जो राज्य स्तर पर स्थापित थी, तो उसका उत्तर था 1946, क्योंकि 1935 का अधिनियम था उसको लागू नहीं किया जा चुका था, क्योंकि उसमें संघ की कार्यपालिका संबंधी जितने भी प्रावधान थे, संघीय व्यवस्था संबंधी प्रावधान थे, उनको लागू नहीं किया गया था। तो प्रश्न पूछा जाता है ऐसे। इसी प्रकार जो संविधान सभा बनी थी उसमें केंद्र में आपने देखा होगा कि संसद बनती है, उसमें केंद्रीय परिषद पहले नाम होता है, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा के अलग अलग नाम होते हैं, लेकिन वहाँ पर कौन पहले लोग अध्यक्ष बनता है, कौन उपाध्यक्ष बनता है, ऐसे प्रश्न कई बार पीएससी पूछ चुकी है। संविधान सभा के बारे में जो हमारी चर्चा होगी कि संविधान सभा कैसे बनी, अगर संविधान सभा के बारे में बोले कि कौन कौन से पहलुओं पे हम देखेंगे, कौन कौन से बिंदु हम इस पे चर्चा करने वाले हैं, तो मुख्य रूप से 4-5 पहलुओं पर हमारी चर्चा रहेगी कि इसके पृष्ठभूमि क्या रही है। पृष्ठभूमि, भारत आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, विभिन्न क्रांतियाँ लड़ रहा था, विभिन्न प्रकार के जो अंग्रेजों के योजनाएं होती हैं वो आती हैं, जैसे कैबिनेट योजना आती है, और इसके पहले बेबल प्लान आता है, कई सारे प्लान्स आते हैं, क्रिप्स मिशन आता है, लेकिन वो सफल नहीं हो पाता है, और अंत में जो कैबिनेट मिशन आता है उसके तहत संविधान सभा के गठन की बात होती है। तो कैबिनेट मिशन की क्या क्या विशेषताएँ थी, कौन कौन से उसके अंतर्गत प्रावधान थे, कैसे संविधान सभा का चुनाव किया जाना था, कितनी जनसंख्या में किया जाना था, उन समस्त बिंदुओं की चर्चा किस पे होगी, हमारी पृष्ठभूमि पे होगी। अब देखेंगे कि जब संविधान सभा बन रही थी तो उनमें कैसे कैसे बैठकों का आयोजन हुआ, बैठकों का आयोजन, अब ये बैठक कहाँ की गई, कितने दिनों तक की गई, कितने वाचन हुए, कौन कौन से महत्वपूर्ण बैठकों पे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, उन समस्त बिंदुओं पे चर्चा करेंगे बैठकों के आयोजन में। जैसे इसमें प्रश्न पूछा था पीएससी ने कि 2021 में कि उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा की किस बैठक में पारित किया गया, पहली बार प्रस्तुत किया गया था, पारित तो बाद में किया गया था, प्रस्तुत किया गया था, तो उसका उत्तर उन्होंने क्या माना था, 5वां माना था। तो ऐसे ही हम देखेंगे कि बैठकों का आयोजन जैसे 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, 13 दिसंबर, 22 जनवरी 1947 इत्यादि की बैठक बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है, तो उन समस्त बिंदुओं पर देखेंगे। बैठकों के साथ साथ अब क्या हुआ कि अलग अलग नेतृत्वकर्ताओं ने अलग अलग समितियां बनाई, अब जैसे मूल अधिकारियों पर समिति बनी, संघ राज्य समझौता समिति बनी, संघीय समिति बनी, इसी प्रकार अल्पसंख्यकों के लिए समिति बनी, तो झंडा समिति बनी, न्यायपालिका संबंधी समिति बनी, अल्पसंख्यकों की उप समिति बनी, मौलिक अधिकारों संबंधी उप समिति बनी, ऐसे ही विभिन्न मुद्दों पर विभिन्न समितियों का आयोजन किया गया। तो हम चर्चा करें जैसे प्रारूप समिति, बहुत इंपॉर्टेंट समिति है, प्रारूप समिति व समितियाँ, उन पर चर्चा करेंगे, और महत्वपूर्ण समितियों के बारे में थोड़ी सी हमारी चर्चा करेंगे कि कौन सी समिति थी, उसका नेतृत्व किसने किया, उसकी अध्यक्षता किसने की, और उनका जो सुझाव थे वो संविधान के किस भाग में शामिल किए गए, ये होगी। साथ ही हम संविधान सभा के बारे में देखेंगे कि कौन कौन से निर्णय व भाग उस टाइम पे जोड़े गए और बाद में उनको क्या किया गया, संशोधित किया गया। एक और चीज़ संविधान सभा के अंतर्गत देखेंगे वो है आपका अंतरिम सरकार, अंतरिम सरकार, अंतरिम सरकार के बारे में भी थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो ऐसे ही हमारी चर्चा चलेगी और सामान्य रूप से बहुत ही कम समय में इन चर्चाओं को पूरा करेंगे, और आपको उदाहरण भी मैं दिया करूंगा कि कैसे प्रश्न पूछते हैं। जैसे संविधान सभा से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए, जैसे एक प्रश्न तो यही पूछ लिया गया था कि मेंस में भी पूछते हैं, प्री में भी पूछते हैं, कि जो मौलिक अधिकार संबंधी, मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक संबंधी समिति थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी, ये प्रश्न पूछा जा चुका है किसमें, संविधान सभा से लेके।
आगे कुछ प्रश्न ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि संविधान सभा को लेके विभिन्न विद्वानों के कैसे मत रहे हैं। जैसे किसी ने ये कहा होगा कि ये केवल हिंदुओं का प्रभुत्व था, वकीलों की सभा थी। किसी ने ऐसा कहा होगा कि अल्पमत पे थी। किसी ने कहा था कि वैश्य मताधिकार पे आधारित नहीं थी। अलग अलग पहलुओं पे अलग अलग चिंतकों ने अलग अलग बातें कही है। उन समस्त बिंदुओं पर हमारी चर्चा चलेगी। किसके अंतर्गत? संविधान सभा के अंतर्गत। देखिए, दूसरा टॉपिक लिखा हुआ है संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति एवं संसद। अब समझिए कि जब संविधान बनके तैयार हो गया, संविधान सभा का मूल उद्देश्य क्या होता है कि किसी देश के विभिन्न प्रकार की व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को संचालित करने के लिए एक प्रमाणित दस्तावेज तैयार करना। उसके लिए विभिन्न लोग मिलकर, देश के अलग अलग स्थानों से लोग मिलकर संविधान का निर्माण किए, एक कानून की व्यवस्था अपनाएं, उसे कहा गया क्या? संविधान। अब संविधान जब निर्मित हो गया तो उसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के क्या किए गए? प्रावधान किए गए। फिर चाहे वो राज्यों के संबंध में हो, फिर जनजातियों के क्षेत्रों के संबंध में हो, या फिर केंद्र के संबंध में हो, शक्तियों के बंटवारे को संबंध में हो, या न्यायपालिका के संबंध में हो, समस्त बिंदुओं पर क्या किया गया? प्रावधान किया गया। इसीलिए कहा जाता है कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बृहत्तम लिखित संविधान है और सबसे बड़ा लोकतंत्र भी है। यहाँ पर देखेंगे, जब संविधान बन के तैयार हो गया तो उसमें कई सारी व्यवस्था की गई। एक व्यवस्था केंद्रीय स्तर पर की गई और एक व्यवस्था राज्य स्तर पर की गई। तो हम यहाँ पर पहले चर्चा होगी हमारी संघीय कार्यपालिका की। आप लोग अगर चाहेंगे तो हम क्रमबद्ध तरीके से भी अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि हम सिलेबस के ओरिएंटेड ही अपनी पढ़ाई को करेंगे। सिलेबस में जो टॉपिक है हम बस उन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है। हम आपको पता है कि पेपर होने वाला है, पेपर की डेट अगर आगे बढ़ती है फिर भी पेपर तो होगा, और ये नए सिलेबस के अनुसार चीज़ें दे दी गई हैं। तो हमको भटकने से ज़्यादा अच्छा है कि सिलेबस ओरिएंटेड अपनी पढ़ाई करें और सिलेक्शन लें, क्योंकि हमको प्रोफेसर नहीं बनना है किसी विषय का। हमको केवल क्या बनना है? एक सामान्य ज्ञान वाला इंसान बनना है जो पीएससी को निकाल सके। तो हम संघीय कार्यपालिका की बात करेंगे, और संघीय कार्यपालिका के बारे में आपको पता है कि आर्टिकल 52 से 78 तक, 52 से 78 तक संघीय कार्यपालिका के बारे में जिक्र मिलता है। अनुच्छेद 52 से 78 तक में जिक्र मिलता है, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद शामिल होती हैं। साथ ही एक और महत्वपूर्ण पद शामिल होता है, वो क्या कहलाता है? आर्टिकल 7 के तहत, 76 के तहत, महान्यायवादी। तो संघ की कार्यपालिका सीधा सीधा लिखा हुआ है। तो संघ की कार्यपालिका के बारे में अच्छे से अध्ययन करेंगे, चाहे वो राष्ट्रपति के अनुच्छेदों की बात हो, उपराष्ट्रपति के अनुच्छेदों की बात हो, या फिर जो मंत्रिपरिषद होती है उनके उत्तरदायित्व की बात हो, कि पूरी मंत्रिपरिषद जैसे लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होती है, उत्तरदायित्व रखती है, लेकिन मंत्री राष्ट्रपति के उत्तरदायित्व रखता है, कौन से अनुच्छेद में ऐसा वर्णन मिलता है, उन समस्त बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। फिर देखिए, संघीय कार्यपालिका में भी कुछ चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से करना पड़ेगा। जैसे एक पॉइंट क्या दिया है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति में हमको देखना पड़ेगा कि राष्ट्रपति के संबंध में कौन से अनुच्छेद हैं, फिर राष्ट्रपति की कौन सी शक्तियां हैं। अब ये राष्ट्रपति इतना बड़ा टॉपिक हो जाता है कि अगर इसमें अध्ययन करने लगेंगे ना तो समय समाप्त हो जाएगा, मतलब हम इसी के बारे में पढ़ते रह जाएंगे। राष्ट्रपति अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन केवल किसकी पावर कैसी है? डी ज्यूरी की, मतलब नाम मात्र की शक्ति इसके पास। ये अपने खुद से कार्य नहीं कर सकता है, इसको कार्य करने के लिए, करवाने के लिए मंत्रिपरिषद होती है। तो नाम मात्र की शक्ति है। फिर हम देखेंगे कि राष्ट्रपति का पद हमने कहाँ से लिया है, पद नाम कहाँ से लिया है, इनकी शक्तियाँ कैसी होती हैं, साथ ही विभिन्न भागों में, संविधान के विभिन्न भागों में राष्ट्रपति का क्या योगदान रहा है, किस प्रकार से विधायकों के संबंध में इनका क्या कर्तव्य होता है, वीटो पावर क्या होती है, इनकी कार्यपालिका की शक्ति क्या होती है, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति के संबंध में क्या शक्ति होती है, फिर इनकी न्याय की शक्ति क्या होती है, क्षमादान की शक्ति क्या होती है, राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है, राष्ट्रपति के क्या योग्यताएं होंगी, उन समस्त बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। फिर अगली चर्चा होगी संसद पे। ठीक है, संसद सीधा सीधा टॉपिक लिखा हुआ है, संसद, भारतीय संसद। आपको पता है कि जैसे अभी लोकसभा का चुनाव होने वाला है, तो हमारी लोकसभा के लिए हो रहा है। संसद के तीन भाग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ये देखिए, प्रश्न पिछली बार ही पूछ लिया था सीधा सीधा कि संसद का भाग है, तो पीएससी कभी कभी बहुत आसान प्रश्न पूछ लेता है। तो आप सबको पता रहता है कि राष्ट्रपति आता है, राज्यसभा आती है, लोकसभा आती है। फिर संसद के बारे में कौन कौन से संवैधानिक प्रावधान हैं, संवैधानिक प्रावधान, उन पर बात करेंगे।
संसद में राज्यसभा और लोकसभा को अलग अलग पढ़ेंगे, राज्यसभा और लोकसभा को अलग अलग पढ़ेंगे। फिर संसद के जो पदाधिकारी होते हैं, पदाधिकारी, जैसे आपने नाम सुना होगा लोकसभा अध्यक्ष का, लोकसभा उपाध्यक्ष का, उसी प्रकार राज्यपति का, राज्यसभा का सभापति जो उपराष्ट्रपति होता है, उसी प्रकार उपसभापति का होता है नाम। इस प्रकार अन्य भी जो सचिव स्तर के कार्य करने वाले लोग होते हैं, उन समस्त बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। फिर संसद में कोई विधेयक लाया जाता है तो उन पे इन दोनों की क्या क्या शक्ति होती है। विधेयक क्या दोनों सदनों में लाया जा सकता है, क्या केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। जैसे आपने धन विधेयक के संबंध में नाम सुना होगा, तो धन विधेयक में लोकसभा की शक्ति ज़्यादा हो जाती है और राज्यसभा की शक्ति नाम मात्र की होती है। केवल 14 दिन के पास उसके लिए समय होता है, जो भी सुझाव देता है। ये जरूरी नहीं है कि लोकसभा उसको स्वीकार करेगा कि नहीं करेगा, कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है। विधेयक के संबंध में है। फिर आपने संयुक्त बैठक की बात सुनी होगी, संयुक्त बैठक, तो कौन कौन सी परिस्थितियाँ होती हैं जिसमें संयुक्त बैठक आयोजित की जा सकती है, और इसके पहले कौन कौन से समय पे आयोजित की गई थी, और इसके आधार पे एक प्रश्न पूछा जा चुका है, पीएससी ने पूछा है, आर्टिकल 108 का प्रयोग राष्ट्रपति किस आधार पे करता है, ऐसा प्रश्न पूछा गया था। तो उसका उत्तर था राष्ट्रपति का आशय होता है। अब देखिए, अगर कोई व्यक्ति सिलेबस समझ ले तो उसको भटकना ही नहीं पड़ेगा। अभी अपने आप में बहुत कठिन प्रश्न था क्योंकि इतना सूक्ष्म अध्ययन कोई नहीं करता है, लेकिन अगर आप सिलेबस को पकड़ लो कि राष्ट्रपति के अंतर्गत मुझे बहुत अच्छे से पढ़ना है, संसद को बहुत अच्छे से पढ़ना है, तो आपके प्रश्न बिल्कुल गलत होने की संभावना नहीं रहेगी। फिर अगले आते हैं, अगला है सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक व्यवस्था। आपको पता है हमारे यहाँ इकहरी न्यायपालिका को अपनाया गया है, और हमारी न्यायपालिका कहाँ से प्रेरित है, यूएसए की न्यायपालिका से प्रेरित है, जहाँ पर हमने न्याय पुनरावलोकन संबंधी और केंद्र से लेके राज्यों के स्तर पर और स्थानीय स्तर पर हमारी न्याय व्यवस्था संचालित है। जैसे सबसे ऊपर होता है क्या, सुप्रीम कोर्ट, फिर हमारे यहाँ हाई कोर्ट है, अभी वर्तमान में 25 हाई कोर्ट है, और फिर अधीनस्थ न्यायालय है। अधीनस्थ न्यायालय में आपने सुना होगा जिला सत्र न्यायालय होता है और जिला न्यायालय होता है, दीवानी न्यायालय होता है, एक सत्र न्यायालय होता है, फिर उसके अंदर प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट होता है, फिर द्वितीय न्यायिक मजिस्ट्रेट होता है। ऐसे ही पूरा स्थान, मतलब कि केंद्र स्तर से एक ही सुप्रीम कोर्ट है हमारे यहाँ, ये ध्यान चीज़ आपको पता ही है, एक ही सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन हाई कोर्ट की संख्या बढ़ जाएगी। फिर उसके नीचे जिलों, जितने जिले होंगे उनके अधीन बहुत सारे न्यायालय स्थापित होंगे। तो ऐसी हमारी व्यवस्था अपनाई गई है। अब देखिए, सर्वोच्च न्यायालय की बात करें, अगर सर्वोच्च न्यायालय, तो इसके संबंध में भाग 5 के अंतर्गत कौन से अनुच्छेद हैं, हर बार अनुच्छेद पूछा जाता है, अनुच्छेद पूछे जाते हैं किसके संबंध में, सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में। अब इनके अनुच्छेद याद करना थोड़ा कठिन कार्य होता है, लेकिन मैं आपको इस प्रकार से इस चीज़ को बताऊंगा जिसमें आप बिल्कुल भी भटकेंगे नहीं, आपको बहुत ही आसान रूप से सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। और वो याद कैसे होंगी, सर्वोच्च न्यायालय के जब हम क्षेत्राधिकार पढ़ लेंगे, क्षेत्राधिकार या शक्तियाँ जब वो पढ़ेंगे, तो हमको सारी चीज़ें अपनी आप याद हो जाएंगी। साथ ही न्यायालय ने कौन कौन से निर्णय दिए हैं, सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णय वो हम पढ़ेंगे। मौलिक अधिकार के संबंध में कुछ निर्णय हैं, आर्टिकल 44 के संबंध में बहुत सारे निर्णय हैं। अभी आपने नाम सुना होगा कि इलेक्शन, इलेक्टोरल जो बॉन्ड होता है उसको असंवैधानिक करार दिया गया सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। फिर इसके पहले सबरीमाला के लिए भी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था। जो चुनाव आयुक्त होते हैं उनके उनके नियुक्ति के संबंध में भी निर्देश दिए गए थे। बहुत सारे निर्णय समय समय पर सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, जैसे मैं जो अपनी पुरानी क्लास ले रहा था उसमें मेरा ये रहता था कि व्यक्ति को मोटिवेट करे, पहले एक अच्छा मोटिवेशन वाला थॉट दे। लेकिन जो हमारी पॉलिटी की क्लास चलेगी उसमें मैं चाहूँगा कि जितने भी निर्णय आज तक के सुप्रीम कोर्ट के रहे हैं महत्वपूर्ण निर्णय, उन सबको मैं प्रारंभ में ही 5 से 10 मिनट उन निर्णयों के बारे में आपसे चर्चा कर लें। तो उससे क्या होगा कि जो हमारी चर्चा होगी उसको आधार मिलेगा और हमारे जो जनरल नॉलेज है वो भी बढ़ेगा। तो हमने भाग 5 के अंतर्गत कौन से अनुच्छेद है, कौन से क्षेत्र अधिकार है, कौन से निर्णय हैं, संसद और इन पे, संसद व सुप्रीम कोर्ट या न्यायालय के संबंध में क्या संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं, क्या शक्तियाँ हैं, क्या दोनों एक दूसरे की बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे, कौन से बातों पे न्यायपालिका ज़्यादा प्रभावी होती है, न्यायिक सक्रियता क्या होती है, न्यायिक अतिसक्रियता क्या होती है, ये समस्त बिंदु इसके अंतर्गत अपने को देखना है। सक्रियता, अतिसक्रियता, PIL का नाम सुना होगा आपने, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन,
इन समस्त बिंदुओं पर चर्चा होगी, किसके अंतर्गत? सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक व्यवस्था के अंतर्गत। फिर अगला बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेबस में पॉइंट है, वो है संवैधानिक संशोधन। अब संवैधानिक संशोधन अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, क्योंकि अब इतना इम्पोर्टेंट भी हो जाता है कि हर बार पीएससी प्रश्न यहाँ से पूछता है। आप उठा के देख लीजिए, पुराने पेपरों को उठा के देख लीजिए, 2018 कहो, 19 कहो, 20 कहो, 21 कहो, 22 कहो या फिर 23 कहो, हर पेपर में संविधान संशोधन से प्रश्न पूछे गए हैं। आपको पता है इस अगर मोटा मोटा देखा जाए तो पूरी 5 यूनिट से लगभग 10 क्वेश्चन आने हैं, ऑन एन एवरेज 10 क्वेश्चन आने हैं, और उन 10 क्वेश्चनों में एक से दो क्वेश्चन आपके संविधान संशोधन से जुड़े ही हुए होते हैं। संविधान संशोधन से क्वेश्चन पूछता ही है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। इस पर हम अपनी अच्छी चर्चा करेंगे कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से अपनाई गई, भारत के संविधान में वो कौन कौन से अनुच्छेद है जिसमें विशेष बहुमत से संशोधन किया जा सकता है, वो कौन कौन से अनुच्छेद है जिन पर विशेष विशेष प्लस राज्यों की सहमति आवश्यक होती है, या फिर संविधान के अंतर्गत वो कौन से संशोधन है जिसमें साधारण बहुमत से ही अर्थात संसद ही अपने स्तर पर उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों की संख्या के आधार पर संशोधन कर सकता है, उन समस्त बिंदुओं पर हमारी चर्चा होगी। और आज तक मतलब आज की डेट तक जितने संशोधन हुए हैं उन समस्त 106 संशोधन हो चुके हैं, उन 106 संशोधनों को हम लोग पूरी तरह से क्या करेंगे, पढ़ेंगे। और अभी आधुनिक जो अभी हाल ही में संशोधन हुआ है वो कौन से किससे संबंध में है, महिलाओं के लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में आरक्षण के संबंध में संशोधन हुआ था। नारी वंदन विधेयक जो था उसको नारी वंदन अधिनियम घोषित किया गया, जिसमें 33% लोकसभा और राज्य लोकसभा और विधानसभाओं में आरक्षण देने का प्रावधान है। तो संवैधानिक संशोधन की बात करेंगे। फिर है संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार, कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। देखिए इसको हम पहले भी पढ़ सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम पहले सीधा राष्ट्रपति को पढ़ने जाएं या फिर सुप्रीम कोर्ट के पढ़ने जाएं, इनको हम पहले भी पढ़ सकते हैं। तो हम देखेंगे कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में कौन से मौलिक अधिकार का वर्णन है, मौलिक अधिकारों को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए न्यायालय कौन कौन से निर्णय दिए हैं, भारतीय संसद ने कौन कौन से इसके संबंध में कानून बनाए हैं, उन समस्त बिंदुओं पर चर्चा होगी। किस पे? मौलिक अधिकारों पे लेके। मौलिक अधिकारों को लेके जो संविधान निर्माता थे उन्होंने कुछ विशेष कथन दिया होगा, उन कथनों में क्या खास बात थी, कौन कौन से कथन कौन कौन से विद्वानों के द्वारा दिया गया, इन बिंदुओं पर भी हमारी चर्चा थोड़ी सी होगी। कर्तव्य की बात करेंगे तो कब जोड़ा गया, कितने कर्तव्य हैं, संशोधन में कौन कौन से शब्द जोड़े गए, फिर कर्तव्य में क्या ये वाद्य योग्य है कि नहीं है, कर्तव्य क्या सबके लिए है कि भारत के नागरिकों के लिए ही है, इन समस्त बिंदुओं पर जो 11 कर्तव्य टोटल हैं हमारे पास, उन कर्तव्यों को आराम से पढ़ेंगे, आसानी से पढ़ेंगे, जिससे हमको क्या ना हो, कन्फ्यूजन ना हो और ये चीज़ें याद भी हो जाए। फिर अगला है राज्य के निर्देश नीति निर्देशक सिद्धांत, जो भाग 4 का भाग है। भाग 4 अर्थात आर्टिकल 36 से 51 तक। अब जो नीति निर्देशक तत्व होता है ये राज्यों को ये निर्देश देता है कि भविष्य में हमको कौन कौन से नियम कानून बनाने हैं, हमको किस प्रकार से अपनी कार्यवाहियों को करना है। जो संविधान सभा थी उसने ये सपना पहले ही तय कर दिया था कि भाग 4 के अधीन ही रह के कोई भी राजनीतिक दल आती है, कोई भी सरकार आती है, ऐसे ही कार्य करेगी। अब इसमें कैसे काम किए जाएंगे, महिलाओं के उत्थान के लिए काम कर जाएंगे, गरीबों के लिए काम किए जाएंगे, एससी एसटी वर्ग के लिए काम किए जाएंगे, पंचायतों की स्थापना के लिए काम किए जाएंगे, समान नागरिक संहिता जो कि अभी बहुत चर्चा का विषय है, अभी उत्तराखंड में लागू भी कर दिया गया है। कहाँ पर? उत्तराखंड में आर्टिकल 44 का इस्तेमाल करके इसको लागू किया गया है। तो समान नागरिक संहिता कैसे चर्चा में है, कौन से अनुच्छेद में है और इसके संबंध में न्यायालय ने कौन कौन से निर्णय दिए हैं, उन बिंदुओं पर हमारी चर्चा चलेगी, है ना। अब आगे आते हैं, आगे है जो हमारी पिछली बार यूनिट 10 था वो आते हैं। पिछली बार की जो पूरी यूनिट 10 थी अब उसको शामिल करके किस में शामिल कर दिया गया है, मध्य प्रदेश और केंद्र की जो संवैधानिक वैधानिक आयोग हैं और संस्थाएँ हैं, इसमें हम वही मानवाधिकार आयोग के बारे में देखेंगे, अल्पसंख्यक आयोग के बारे में देखेंगे, हालांकि अब बढ़ भी गया है थोड़ा सा, क्योंकि ये क्या कर दिया है, पहले क्या था, फिक्स था कि विभिन्न आयोगों के नाम दे दिए, बाल संरक्षण आयोग के नाम दे दिए, मानवाधिकार आयोग के नाम दे दिए, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के नाम दे दिए, पहले फिक्स था, लेकिन अभी क्या है, फिक्स नहीं है, अभी ये कुछ भी पूछ सकता है, नीति आयोग से भी पूछ सकता है, अल्पसंख्यक आयोग से भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो हम इस पर भी सारे आयोगों की चर्चा अपनी करेंगे। तो ये पिछली बार का जो यूनिट 10 था वो पूरा विषय
यूनिट 5 के खंड 6 में जोड़ दिया गया है। अगले भाग में अगर आएँ तो मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था के बारे में जिक्र किया गया है। मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था मतलब जो भाग 6 है, भाग 6। देखिए यहाँ पर देखेंगे तो आप भाग 6 की ही पूरी बात पाएंगे। ब्रैकेट में लिखा है मतलब हमको संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत क्या पढ़ना है, राज्यपाल पढ़ना है, मंत्रिमंडल पढ़ना है, विधानसभा पढ़ना है और उच्च न्यायालय पढ़ना है। राज्यपाल में कौन कौन से राज्यपाल हुए हैं, आपने देखा होगा कि सीधा सा पूछ लेता है कौन संविधान सभा के सदस्य रहे हैं या नहीं रहे हैं। तो राज्यपाल, विभिन्न जो राज्यपाल हुए हैं अपने यहाँ के, विभिन्न राज्यपाल, उनका हम व्यक्तिगत थोड़ा सा विवरण देखेंगे। वर्तमान में कौन से नंबर के राज्यपाल हैं, जैसे मंगू भाई, छगन भाई पटेल जो हैं अपने यहाँ, तो कौन से नंबर के हैं, पहले राज्यपाल कौन से थे, सबसे ज़्यादा कार्यकाल किसका था, सबसे कम कार्यकाल किसका था, कितने कार्यवाहक राज्यपाल रहे हैं, किसका कार्यवाहक के तौर पर सबसे ज़्यादा कार्यकाल रहा है, किसका कार्यवाहक के तौर पर सबसे कम कार्यकाल रहा है, उन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे राज्यपाल के माध्यम से। साथ ही राज्यपाल की कौन कौन सी शक्तियाँ होती हैं, राज्यपाल के माध्यम से कब कब हमारे यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया गया, उन सब बातों पर चर्चा करेंगे। मंत्रिमंडल की बात करें तो कितनी विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, कितने नंबर के विधानसभा चुनाव हुए हैं, पहले मंत्रिमंडल की क्या खासियत थी, अभी के जो मंत्रिमंडल है उसकी क्या खासियत है, मंत्रिमंडल के क्या उत्तरदायित्व होते हैं, क्या कर्तव्य होते हैं, राज्यपाल के संबंध में कितना कर्तव्य होता है, सरकार के संबंध में कितना कर्तव्य होता है, मंत्रिमंडल में एक प्रमुख पद होता है मुख्यमंत्री, तो यहाँ पर मुख्यमंत्री भी पढ़ना इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री को पढ़ेंगे। फिर जो हमारी वर्तमान मंत्रिमंडल है, मंत्रिपरिषद है, उस पर कौन कौन से सदस्य शामिल हैं, कौन से विभाग का कौन सा मंत्री है, इन समस्त बिंदुओं पर भी चर्चा करेंगे। हालांकि वो करंट पे आप लोग देख ही लेंगे, लेकिन हम भी थोड़ा सा अपनी चर्चा को कर लेंगे। फिर विधानसभा लिखा हुआ है, विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष कौन है, अभी तक कितने हुए हैं, कौन विधानसभा अध्यक्ष भी रहा है, उपाध्यक्ष भी रहा है, प्रोटेम स्पीकर भी रहा है, ऐसे प्रश्न पूछ लेता है PSC। तो ये कहाँ से आते हैं प्रश्न, यहाँ से आते हैं। अगर आप सिलेबस को पहचानेंगे, समझेंगे, तो बिल्कुल भी भटकना नहीं पड़ेगा, आपको सारी चीज़ें आसानी से मिल जाएंगी। फिर अगला है उच्च न्यायालय। फिर उच्च न्यायालय का प्रावधान, जैसे किस अनुच्छेद से कहाँ तक दिया गया है, उच्च न्यायालय की कौन कौन सी शक्तियाँ होती हैं, कौन कौन से क्षेत्राधिकार होते हैं, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय रहे हैं, मध्य प्रदेश की कौन कौन सी खंडपीठ रही हैं, भोपाल में कब स्थापित हुआ, ग्वालियर में कब स्थापित हुआ, है ना, इंदौर में कब स्थापित हुआ, उच्च न्यायालय की क्या संरचना है, क्या योग्यताएं हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए, और उच्च न्यायालय के जो प्रमुख न्यायाधीश रहे हैं, जो यहाँ के CJI रहे हैं, मतलब JI रहे हैं, चीफ जस्टिस CJ रहे हैं, CJ रहे हैं जो उच्च न्यायालय के, वो कौन कौन से रहे हैं। फिर ऐसे प्रश्न भी पूछ लेता है PSC कि उच्च न्यायालय के वो कौन से न्यायाधीश रहे हैं जो उच्चतम न्यायालय के भी न्यायाधीश बने हैं, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं, तो हम उन बिंदुओं पर भी चर्चा करेंगे। मतलब जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश प्रमुख न्यायाधीश रहे हैं, मतलब सर्वोच्च न्यायाधीश, उन पे, उनके व्यक्तित्व पे थोड़ी थोड़ी अपनी चर्चा करेंगे। इसी प्रकार एक और चीज़ मैंने आपको बताना ध्यान से उतर गया। देखिए जो संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति हैं, हम राष्ट्रपति को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रपति के लिए बनाएंगे एक मैप, और मैप में भारत के किस कोने से कौन से राष्ट्रपति आए हैं और उनके बारे में थोड़ा सा सामान्य परिचय, कौन संविधान सभा का सदस्य था, किनको भारत रत्न दिया गया, किनकी समाधि स्थल का क्या नाम है, किन्होंने कब कौन से नंबर पर पद ग्रहण किया, किन्होंने पहले कहीं के मुख्यमंत्री थे बाद में राष्ट्रपति बने, कोई पहले कहीं राज्यपाल था फिर बाद में राष्ट्रपति बना, कोई पहले राष्ट्रपति था फिर साइंटिस्ट भी था, किसी को कुछ और बोला जाता है, किसी को कुछ और कहा जाता है, उन समस्त बिंदुओं पर करेंगे चर्चा एक मैप के माध्यम से राष्ट्रपति के बारे में। ठीक है, प्रश्न वहीं से पूछ लिया जाता है। तो देखिए ये हमारी चर्चा होगी। फिर आगे देखिए अगला है मध्य प्रदेश में। अब देखिए यहाँ से शुरू हो जाता है दूसरा भाग, जो छठवां वाला पॉइंट है, यहीं से शुरू हो जाता है क्या, राज्यों की भी संस्थाएं। यहाँ तक हम केंद्र का पढ़ेंगे, फिर आगे पढ़ेंगे अपना राज्य का। राज्य में फिर अगली बात आएगी मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज नगरीय प्रशासन व्यवस्था। आपको पता है कि 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन जब हुआ तो भारतीय स्तर पर ही पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया। संविधान में नए अनुच्छेद जोड़े गए, नए भाग जोड़े गए और नई अनुसूची जोड़ी गई, और उसको करके फिर सबसे पहले कौन से राज्य ने लागू किया, मध्य प्रदेश ने। यह प्रश्न PSC पूछ भी चुका है कि पंचायती राज अधिनियम 1973 को सबसे पहले लागू करवाने वाला राज्य कौन सा था, तो मध्य प्रदेश उसका उत्तर था।
ऐसे ही 3 स्तरीय पंचायत का आधार क्या था, कौन कौन से प्रावधान जोड़े गए, पंचायतों की क्या क्या शक्तियाँ होती हैं, कैसे तीनों स्तर पर काम करता है, जैसे ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, इनके अध्यक्षों को नियुक्त, इनके सदस्यों के नियुक्त, इन पे क्या क्या कार्य सौंपे गए हैं, उन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। नगरीय प्रशासन की व्यवस्था की अगर बात करें तो नगर पंचायत क्या होती है, नगर पालिका क्या होती है, नगर निगम क्या होती है, कितनी जनसंख्या पर स्थापित किए जाते हैं, कितने यहाँ पर वार्ड सदस्य होते हैं, कौन अध्यक्ष होता है, कौन उपाध्यक्ष होता है, और दलों का क्या योगदान होता है, कौन कौन सी प्रमुख समितियां बनी थी, जैसे बलवंत राय समितियां का नाम सुना होगा आपने, आपने अशोक मेहता समिति का नाम सुना होगा, वो समितियों ने क्या क्या सुझाव दिए, एलएम सिंह भी समिति बनी थी, उन्होंने क्या सुझाव दिए, उन समस्त बिंदुओं पर चर्चा हमारी चलेगी। ठीक है, फिर आता है अगला टॉपिक जो अभी नई व्यवस्था के अनुसार जुड़ा है। मध्य प्रदेश हर बार संशोधन करता है, इस बार तो 4 ही पेपर उसने सिलेबस के अनुसार लिए, हालांकि जो इसके पहले सिलेबस था 2014 से 2019 तक चला था, फिर 2020 से 2023 तक, और अभी जो नया सिलेबस जुड़ा है उसमें एक चीज़ जोड़ दी गई है मध्य प्रदेश में, सुशासन या अभिशासन व्यवस्था। ठीक, अब देखिए सुशासन होता क्या है, सुशासन मतलब ऐसा शासन जो बहुत व्यवस्थित हो, सु प्लस शासन, सु प्लस शासन, सुशासन। अब ये जो सुशासन होता है इसका अगर आसान बात करें आसान भाषा में तो स्मार्ट प्रशासन बोलते हैं इसको, स्मार्ट प्रशासन बोलते हैं। स्मार्ट का फुल फॉर्म क्या होता है, यस का मतलब होता है स्मॉल, यम का मतलब होता है मॉरल, ए का मतलब होता है अकाउंटेबल, आर का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबल और टी का मतलब होता है ट्रांसपेरेंट, मतलब पारदर्शी। तो ऐसा प्रशासन जो क्या हो, सूक्ष्म हो, आदर्शवादी, मोरल हो, नैतिक हो, सूक्ष्म हो, मोरल हो, अकाउंटेबल मतलब क्या हो, जवाबदेही हो, फिर रिस्पॉन्सिबल हो, उत्तरदायित्व हो उसमें, फिर ट्रांसपेरेंस पारदर्शिता हो, तो ऐसे प्रशासन को क्या कहा जाएगा, सुशासन। तो मध्य प्रदेश में सुशासन की क्या स्थिति है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा समय समय पर सुशासन के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए हैं, सुशासन को कब मूर्त रूप दिया जाने लगा, सुशासन जो सूचकांक होता है उसमें मध्य प्रदेश की क्या स्थिति है, विभिन्न पहलुओं पर मध्य प्रदेश की क्या रैंकिंग है, उन समस्त बिंदुओं पर हम सुशासन के अंतर्गत चर्चा करेंगे। तो यही हमारी सामान्य सी चर्चा चलने वाली है, किस पे, हमारे यूनिट 5 पे। तो यूनिट 5 हमारी जितनी भी क्लासेस होगी आप कोशिश कीजिएगा कि इसको अटेम्प्ट करें, और हम थोड़ी थोड़ी चर्चा को अपने आगे बढ़ाएंगे और अंत में इसको समाप्त करेंगे। तो ये जो 9 पॉइंट हैं, जो यूनिट 5 में 9 पॉइंट दिए हुए हैं, सब पॉइंट दिए हुए हैं, उन समस्त बिंदुओं पर जितना भी डीप अध्ययन हो सकता है उन सबको करेंगे। अभी देखिए डेट बढ़ने वाली है थोड़ा सा पीएससी की प्री परीक्षा की, तो आप लोग को समय भी मिल रहा है, तो इस चीज़ को आप काफ़ी ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि यहाँ प्रश्न कठिन भी पूछते हैं और सरल भी पूछते हैं। हालांकि जब कठिन पूछता है तो किसी को नहीं बनता है, लेकिन आप कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन बन जाए। इस बार पोस्ट भी कम है, कॉम्पिटिशन ज़्यादा है, तो आप लोग जुड़े रहिए और धीरे धीरे हम अपनी तैयारी को आगे करते रहेंगे, और मिल के दोनों लोग, हम लोग मतलब मैं और आप सब लोग मिल के अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे और अपने सब्जेक्ट को कंप्लीट करेंगे। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं कल से आपकी क्लास पे। नमस्कार।